बड़ी खबर सीतापुर से है, जहां बंद कमरे में नवविवाहिता के शव मिलने के मामले में गुस्साए परिजनों ने अचानक सिंधौली मिश्रिक रोड पर शव रखकर जाम लगा दिया। परिजनों का आरोप है कि ससुराल के सभी लोग फरार हैं, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। मामले में पुलिस ने पहले ही अभियोग पंजीकृत कर लिया था। वहीं आरोपी सभी फरार बताए जा रहे थे। आरोपी सास ससुर और नंद की गिरफ्तारी की मांग करते हुए रोड पर जाम कर दिया। बताते चले कि दो दिन पहले नवविवाहिता का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला था। परिजनों ने पुलिस को सूचना देकर ससुराली जनों पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। मामला संदना थाना क्षेत्र के कोरैना गांव से जुड़ा हुआ है। पुलिस मामले की जांच की बात कह रही थी। परिजनों के मुताबिक रामगढ़ के मजरा महकुमगंज निवासी राम गोपाल ने अपनी 25 वर्षीय पुत्री पूजा की शादी करीब 5 वर्ष पहले कोरोना गांव निवासी शिव प्रसाद के बेटे सतपाल के साथ की थी। परिजनों का आरोप है कि अतिरिक्त दहेज की मांग ससुराली जन कर रहे थे। आए दिन पूजा को प्रताड़ित किया जाता था। गुरुवार को पूजा का शव अचानक बंद कमरे में लटका मिला। इस दौरान मायके पक्ष के लोगों को इसकी सूचना मिली। मौके पर प्रधान सहित परिजन इकट्ठा हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। संदना थाना प्रभारी सुरेश पटेल का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट विस्तार से संवाददाता सुनील आनंद के साथ।